केम छो मजा मा। तो आज की वीडियो के अंदर अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो न्यूमेरिकल क्या है अपना? न्यूमेरिकल है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% रिएक्शन इफ 90% रिएक्शन अक्कर इन 30 मिनट। अगर 90% रिएक्शन 30 मिनट्स के अंदर होती है तो 99% रिएक्शन कितना टाइम लेती है? सिंपली क्वेश्चन ये है। और क्वेश्चन किसके ऊपर फ्रेम हुआ है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। अपन को ये देखना है क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। अपन देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या यहाँ पे रेट कांस्टेंट मेंशन है। तो अपन देखें यहाँ से, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट मेंशन नहीं है। मतलब अगर मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन की दो कंडीशन दी हुई अपने को, तो अगर दोनों कंडीशन का रेट कांस्टेंट मैं इक्वल पुट करता हूँ तो वहां से मैं रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी से मैं टी निकाल सकता हूँ। समझ में ये बात? तो अगर मैं यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर दोनों कंडीशन का रेट कांस्टेंट इक्वल पुट करता हूँ, मतलब के फॉर फर्स्ट कंडीशन इक्वल्स टू के फॉर सेकेंड कंडीशन, के फॉर फर्स्ट कंडीशन, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा इसकी वैल्यू, मतलब 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। यह कब की बात है? जब अपने पास 90% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इक्वल्स टू k की वैल्यू 2.303 अपॉन टी 99% यस लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। तो यहां से मैं देखूं तो 2.303 से 2.303 कैंसिल। अपन देखते हैं t 90% की वैल्यू क्या है, 30 मिनट्स। तो मैंने इसको 30 मिनट्स में ही पुट कर दिया क्योंकि अपने पास ये वैल्यू निकल के आएगी, ये मिनट्स के अंदर आएगी, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा सेकंड के अंदर, क्योंकि मैं जो निकाल रहा हूं वो भी मिनट्स में निकाल रहा हूं। तो अपन बात करते हैं 1/30 log ए नॉट इनिशियल रिएक्टेंट अपॉन ए टी इक्वल्स टू 1/t 99% log ए नॉट अपॉन ए टी। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे देखना है क्या यहां पे इनिशियल रिएक्टेंट की वैल्यू मेंशनड है। तो क्या यहां पे इनिशियल रिएक्टेंट की वैल्यू मेंशनड है? देखते हैं अपन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% रिएक्शन इफ 90% रिएक्शन अकर इन 30 मिनट्स। तो मैं देखूं यहां से तो इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉल ए मतलब ए नॉट मतलब सी नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेंशन नहीं है। तो अगर वो मेंशन नहीं है तो मुझे मानना है कि अपने पास इनिशियली रिएक्टेंट कितना था, 100% मतलब 100%। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो ए नॉट की वैल्यू दोनों कंडीशन के लिए कितनी आ गई, 100%। तो अपने पास ए नॉट फॉर दिस कंडीशन इज व्हाट, 100% मतलब 100। और ए टी क्या है, ए माइनस एक्स, सिंपल। ए नॉट क्या आ गया अपने पास, 100। अब यहां से मैं देखता हूं ए टी क्या होता है, ए माइनस एक्स, ए मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, एक्स मतलब कंज्यूम्ड रिएक्टेंट। अब अगर मैं बात करता हूं कंज्यूम्ड रिएक्टेंट की, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% रिएक्शन। जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तब क्या होगा, अपने पास रिएक्टेंट भी 99% कंज्यूम हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास 99। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? तो एक्स फॉर दिस कंडीशन क्या आ गया अपने पास, 99। AT क्या होता है, सिंपली AT इज A माइनस X, उसके अंदर X की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू पता है अपने को। अपन बात करते हैं इसकी, तो यहां पे 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब अपने पास रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम भी कितना हो गया, 90%। मतलब 90% रिएक्शन हो गई तो रिएक्टेंट कंज्यूम कितना हुआ, 90%, सिंपल है ये। तो अपन देखें यहां से अपने पास AT पे A माइनस X होता है और अपने पास उसके अंदर x की वैल्यू कितनी आ गई इस कंडीशन के अंदर, 90। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब मैं देखूं यहां से तो
अगर मैं ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो क्या होता है अपने पास, 1 अपॉन 30 लोग ए नोट की वैल्यू 100 अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। अपन देखते हैं यहां से ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कितना अपने पास 100, माइनस एक्स की वैल्यू 90 इक्वल्स टू 1 अपॉन t 99% लोग, फिर से ए नोट की वैल्यू 100 अपॉन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 99। क्या आपको ये बात समझ में आई? जब भी आपको परसेंटेज इस तरह की क्वेश्चन के अंदर, जब भी आपको इनिशियल रिएक्टेंट की वैल्यू मेंशन नहीं हो तो अपने को इनिशियल रिएक्टेंट कहता माना है 100%, क्योंकि अपने पास इनिशियली रिएक्टेंट कितना होगा 100%। क्या आपको बात समझ में आई? अपन बात करते हैं यहां पे कि 1 अपॉन 30 लोग 100 अपॉन 10 तो 100 अपॉन 10, मतलब 100 अपॉन 10 तो 0 से 0 कैंसिल इक्वल्स टू 1 अपॉन t 99% लोग 100 अपॉन 1। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब मैं कह ले सकता हूं 1 अपॉन 30 लोग 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t 99% लोग 100। मैं 100 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 2। तो क्या जब लोग x की पावर y सॉल्व करते हैं तो y लोग x होता है? वो अपन ने बात कहां पढ़ी है, बेसिक लॉगरिथम के अंदर। अब लोग x की पावर y, y लोग x होता है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन 30 लोग 10 की वैल्यू 1, सिंपल 1 अपॉन t 99% लोग 10 की पावर 2, मतलब लोग x की पावर y, तो y लोग x मतलब 2 log 10, और लोग 10 की वैल्यू 1, तो अपने पास यहां से कितना आया 1 अपॉन 30 into 1 equals to 1 upon t 99 into 2। तो अपने पास t 99% is equals to कितना आया 30 into 2, that is 60 minutes, मतलब 1 घंटा लगेगा, मतलब 60 मिनट्स लगेंगे रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में। क्या आपको इतनी बात क्लियर है कि अपन ने इस न्यूमेरिकल के अंदर अप्रोच कैसे रखी अपनी? अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन है अपना, फॉर अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 2.303 पर मिनट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट। परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट, मतलब कंज्यूम्ड रिएक्टेंट का परसेंटेज या फिर फॉर्म्ड प्रोडक्ट का परसेंटेज। तो अपने पास कंज्यूम्ड रिएक्टेंट क्या होता है, एक्स। ये अपने से ए माइनस एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो अच्छा आगे पढ़ते हैं अपन, इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर एंड रिएक्शन रन फॉर 1 मिनट। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन मतलब ए नॉट या फिर स्मॉल ए या फिर सी नॉट दे रखा है अपने को 1 मोलर और रिएक्शन 1 मिनट तक हो रही है, अपन बात करते हैं, अपन को क्या पता है कि ए नॉट या फिर सी नॉट या फिर स्मॉल ए क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। अपन बात करते हैं ए टी या फिर सी टी या फिर ए माइनस एक्स, ये क्या होता है अपने पास, रिमेनिंग रिएक्टेंट। अच्छा अपन बात करते हैं एक्स क्या होता है अपने पास, ए माइनस एक्स के अंदर एक्स क्या होता है, एक्स होता है कंज्यूम्ड रिएक्टेंट या फिर फॉर्म्ड प्रोडक्ट। अपन समझते हैं पहले इस एक्स को, तो मुझे पता है एक रिएक्शन है ए से बी मिला, मतलब ए रिएक्टेंट है उससे अपन को बी प्रोडक्ट मिलता है। अगर मैं बात करता हूं टी टाइम इक्वल्स टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होता है अपने पास, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है स्मॉल ए,
बट जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुई जब अपने पास प्रोडक्ट कितना होगा जीरो। अब एट टाइम टी इक्वल्स टू टी जब रिएक्शन चालू हुई तो रिएक्टेंट ए में से कुछ कंज्यूम होना चालू होगा और जो कंज्यूम होना चालू हुआ है वो क्या अपने पास एक्स। एक्स क्या हो कंज्यूम्ड रिएक्टेंट और जो कंज्यूम हो रहा है वही क्या होता है फॉर्म होता है। तो अपने पास कंज्यूम्ड रिएक्टेंट क्या हुआ एक्स या इसको अपन क्या बोल सकते हैं फॉर्म प्रोडक्ट। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। तो अपन ने समझ लिया एक्स को तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद क्या इस न्यूमेरिकल के अंदर ये मेंशन है कि ये किस ऑर्डर के ऊपर फ्रेम हुआ है। बिल्कुल नहीं। अपन पढ़ते हैं फिर से न्यूमेरिकल को। फॉर अ रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट इज 2.303 पर मिनट कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर एंड रिएक्शन रन फॉर 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन के अंदर या इस न्यूमेरिकल के अंदर ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये कौन से ऑर्डर के ऊपर फ्रेम हुआ है। तो अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी कि अगर अपने को दे रखी है कि मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के अपन पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल कौन से ऑर्डर के ऊपर फ्रेम हुआ है। अपन पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर बट मुझे श्योरिटी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर फ्रेम हुआ है तो मैं चेक करता हूं। मुझे पता है के इक्वल्स टू क्या होता है मोल पर लीटर की पावर 1-n पर सेकेंड। यहां पे एन क्या है ऑर्डर। अब मैं चेक करता हूं जीरो ऑर्डर से तो अगर मैं वैल्यू ऑफ एन पुट करता हूं जीरो तो क्या होता है अपने पास के इक्वल्स टू क्या होता है मोल पर लीटर की पावर 1-0 पर सेकेंड। तो 1-0 इज व्हाट 1 तो के इक्वल्स टू क्या है मोल पर लीटर की पावर 1-0 मतलब 1 तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट यहां पे ये है बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर के ऊपर न्यूमेरिकल फ्रेम नहीं हुआ। अपन अब चेक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो के इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1-n n फॉर फर्स्ट ऑर्डर कितना हुआ 1 क्योंकि n क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं देखता हूं यहां पे अब ध्यान से सुनना 1-1 0 तो किसी की पावर 0 इज व्हाट 1। क्या बोल दिया सर आपने। देखो यहां पे क्या है मोल पर लीटर की पावर 1-1 1-1 इज व्हाट 0 और किसी की पावर 0 इज व्हाट 1। तो यहां पे k इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास पर सेकंड। तो k मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है अपने पास पर सेकंड। बट अगर अपन देखते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर तो यहां पे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या दे रखी है अपने को पर मिनट। ये पर मिनट क्यों दे रखी है क्योंकि यहां पे टाइम इसने मिनट में ले रखा है इसलिए यहां पे अपने पास यूनिट किसके अंदर है पर मिनट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो फ्रेम हुआ है वो किसके ऊपर फ्रेम हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। यहां पे अपने पास के मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट आई पर सेकंड बट अगर मैं इसको चेक करता हूं तो यहां पे क्या है पर मिनट। तो यहां पे इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने टाइम को मिनट में ले रखा है इसलिए यहां पे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है पर मिनट। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फ्रेम हुआ है किसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं आगे इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन टर्म्स कौन कौन सी है देखते हैं अपन। अपने को रेट कांस्टेंट मतलब के पता है कितना 2.303 पर मिनट। अच्छा जी ये पूछ रहा है अपने से एक्स का परसेंटेज। अच्छा इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर मतलब ए नॉट सी नॉट स्मॉल ए क्या है अपने पास इनिशियल कंसेंट्रेशन और वो क्या है 1 मोलर एंड रिएक्शन रन फॉर 1 मिनट मतलब टाइम दे रखा अपने को 1 मिनट। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। तो अगर मैं देखता हूं के इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लोग ए नॉट अपॉन ए टी तो अगर मेरे पास ए टी आ जाए तो उसके अंदर स्मॉल ए नॉन है और एक्स मैं निकाल लूंगा। अगर अपने पास ए टी आ जाए ए टी इक्वल्स टू क्या होता है ए माइनस एक्स तो अपने को एक्स चाहिए तो स्मॉल ए पता है अपने को तो ए टी निकाल लेंगे तो उसके अंदर एक्स निकाल सकते हैं अपन ठीक है। तो के क्या दे रखा अपने को 2.303 पर मिनट। अब रेट कांस्टेंट के को मैं यहां पर मिनट के अंदर पुट करूंगा ऐसा क्यों अभी देखते हैं अपन। तो मैंने के की वैल्यू क्या पुट करी 2.303 अपॉन मिनट क्योंकि ये पर मिनट है तो मिनट नीचे आ गया इक्वल्स टू 2.303 और ये कितना है 1 मिनट। तो यहां पे मिनट से मिनट कैंसिल हो गया इसलिए आपको सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब अपन बात करते हैं लोग ए नोट अपॉन ए टी। मुझे ए नोट पता है
वन मोलर, बट मैं पुट नहीं कर रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2.303 से 2.303 कैंसिल। अपन अब बात करते हैं आगे क्या है अपने पास, वन इक्वल्स टू लोग ए नोट अपॉन ए टी। ओ माई गॉड, लोग आ गया यहाँ पे। अगर मुझे इस लोग को रिमूव करना है तो मैं क्या लूंगा, एंटी लोग। तो यहां पे एंटी लोग वन इज इक्वल्स टू लोग से एंटी लोग कैंसिल, ए नोट अपॉन ए टी। अब एंटी लोग वन की वैल्यू क्या होती है, मुझे क्या पता है, एंटी लोग एक्स क्या होता है, 10 की पावर एक्स। ये अपन ने कहां पढ़ा था, जब अपन ने बेसिक लॉगरिथम पढ़ा था एक वीडियो के अंदर। अपन अब बात करते हैं यहां पे क्या पूछ रहा है, अगर एंटी लोग एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर 1। अगर एंटी लोग 2 हुआ तो 10 की पावर 2, एंटी लोग 3 हुआ तो 10 की पावर 3, एंटी लोग 10 हुआ तो 10 की पावर 10। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, तो यहां पे एंटी लोग 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन ए टी। तो यहां से ए टी कितना आया, ए नॉट बाय 10। अच्छा ए टी क्या होता है, रिमेनिंग रिएक्टेंट। ए टी क्या होता है, रिमेनिंग रिएक्टेंट। तो अगर मैं रिमेनिंग रिएक्टेंट का परसेंटेज निकालता हूं तो वहां से रिमेनिंग आ जाएगा अपने पास, और अपने को ये पता लग जाएगा कंज्यूम कितना हुआ। तो कंज्यूम पूछ रहा है अपने को, तो अपन वहां से निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो अगर मैं देखता हूं यहां पे ए टी इक्वल्स टू ए नोट बाय 10, मतलब रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना है अपने पास, ए नोट बाय 10। अब यहां पे अपने पास ए टी की वैल्यू कितनी, ए नोट बाय 10। ए टी क्या होता है, रिमेनिंग रिएक्टेंट। तो अगर मैं परसेंटेज निकालू रिमेनिंग रिएक्टेंट का, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि कंज्यूम रिएक्टेंट कितना है। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, तो ए टी कितना आया, ए नोट बाय 10। तो अगर मैं निकालू परसेंटेज रिमेनिंग, दैट इज इक्वल्स टू गिवन ए नोट बाय 10 अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो 10 के जीरो से एक जीरो कैंसिल, ए नोट से ए नोट कैंसिल, मतलब 10% अपने पास रिमेनिंग है। तो कंज्यूम कितना हुआ, 90%। और वही अपने को इस न्यूमेरिकल में पूछ रहा था। सर हम तो विश्वास नहीं करते इसके ऊपर, अपन निकालते हैं एक और तरीके से। अब मुझे पता है कि ए टी कितना आया, ए नोट बाय 10। ओके, अगर मैं देखता हूं कि ए नोट माइनस ए टी, ए नोट को मैं लिख सकता हूं स्मॉल ए, माइनस ए टी को मैं लिख सकता हूं ए माइनस एक्स। इतनी बात क्लियर है, तो यहां अगर मैं खोलता हूं इस ब्रैकेट को, तो ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ए से ए कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, एक्स आ गया अपने पास निकल के। तो यहां से मुझे एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। तो ए नोट माइनस ए टी करता हूं, तो ए नोट माइनस ए टी, ए टी की वैल्यू कितनी है, ए नोट बाय 10। तो अगर लेता हूं मैं इसका एलसीएम, तो 10 आ गया अपने पास एलसीएम, और 10 ए नोट माइनस ए नोट, दैट इज 9 ए नोट बाय 10। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, अगर अपने पास यहां से एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसका मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं कि परसेंटेज कंज्यूम कितना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, तो अगर एक्स की वैल्यू आती है 9 ए नोट बाय 10, तो मुझे चाहिए परसेंटेज कंज्यूम, दैट इज इक्वल्स टू गिवन 9 ए नोट बाय 10 अपॉन इनिशियल, इनिशियल कितना है, ए नोट इनटू 100। ए नोट से ए नोट कैंसिल, इसकी जीरो से इसका जीरो कैंसिल। अब यहां पे कितना आ गया अपने पास, 90%, मतलब परसेंटेज कंज्यूम्ड रिएक्टेंट आ गया अपने पास, कितना, 90%। क्या आपको ये दोनों तरीके समझ में आए, बोलो यस और नो। अगर आपको यहां तक दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।